जितने भी शॉर्ट नोट में सबसे पहले आप वो खरीद ले without short note के सारे books खरीद ले जितने जितने भी है सब उसके बाद करें के के वो सारे करें सेल्फ खुद से करें और को खोलें उसमें से क्वेश्चंस के आंसर खुद से फाइंड आउट करने का ट्राई करें तो अभी यहाँ पर आपको तीन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो थ्री टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे अब वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करते हैं पहला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपको वन वन वर्ड वर्ड टाइप 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 होगा 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 या केस लॉ दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपको वो बेर से मिल जाएगा आपको उसका आंसर और तीसरा जो है वो रीजनिंग में या लॉजिकल फॉर्म में क्वेश्चन होगा एक आधा तो है ठीक है तो आप जब क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे लास्ट फाइव ईयर का तो उसमें से जितने भी वन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन है उसे ट्राई करिए याद करने के लिए याद करिए उस वन वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ठीक है और केस लो, केस केसलो और ज्यादातर याद नहीं रहता है। फिर भी आपको अगर वन वर्ड टाइप में ऐसे केस मेंसलो टाइप भी अगर क्वेश्चन तो भी याद करिए दूसरी चीज जो एक्ट है एक्ट से जो आते हैं लाइक सेक्शन के के बेस पे, आर्टिकल के बेस पे पे आर्टिकल तो अगर आप बेयर अच्छे से फाइंड तो आउट कर लोगे और देख लोगे लास्ट टू फाइव ईयर के पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको इजिली तरीके से बेयर से आपको आंसर मिल जाएगा बाकी रहा वन वर्ड का जो है वन वर्ड आप याद कर लीजिए लास्ट फाइव ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके रीजनिंग लॉजिक को स्किप भी किया तो भी चलेगा लेकिन ये दो चीज पे ज्यादा फोकस करिए तो तीसरी चीज ये है कि आप सिलेबस uh, अगर आप अपना एआईबी का देख रहे होंगे तो इसमें सबके मार्क्स दिए गए कि कितने मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट ऑप्टेन कर रहा है तो जिसके हायर मार्क्स हैं जो हायर मार्क्स गेन कर रहा है उस पे फोकस करिए जैसे बीएनएस BNS, बीएनएसएस लाइक जो लास्ट मतलब जिसके चार मार्क दस मार्क छः मार्क आठ मार्क नौ मार्क ये वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए ठीक है बाकी अगर आपने ये दोनों किया तो आपको ए भी पास होने से कोई नहीं रोक सकता आप ये का ए भी पास हो गई एनी हाउ कैसे भी पास हो जाए अगर आपने इस चीज पे फोकस किया ये तीन चीजों पे वन वर्ड कर लीजिए डायरेक्ट कर लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता तो अगर आपको ये ट्रिक इम्पॉर्टेंट लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू